हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैकेट बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये पैंट का कपड़ा ले लिया है, इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से खुला हुआ भाग है, उस ओर से फोल्ड वाला भाग है। और ये कपड़ा इस तरह से 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर का है। इसका पन्हा 60 इंच का है, 60 इंच का है। अब सबसे पहले कपड़े को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेना है। ये डबल कपड़ा है, इसे हमने फोल्ड कर लिया, यानी ये 4 तहें हो गई कपड़े की। बाही की लंबाई है 22 इंच और बाही का नीचे की जो गोलाई है, यानी दंड घेर कलाई का जो नाप है, ये है 8 इंच। 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे, यानी इस तरह से 5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हम 1 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से नाप लेंगे, 22 इंच बाही का नाप है और 1/2 इंच ऊपर से सिलाई के लिए। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हल्की सी। और इसके बाद हमें नाप लेना है 8 इंच। 8 इंच पे हमने मार्किंग की। यहाँ से 3 इंच नीचे, 3 इंच नीचे हमें आना है। अब यहाँ से 2 इंच तक बिल्कुल सीधा हमें जाना है, 2 इंच तक। और फिर इसे इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस में। इसके बाद बीच का पॉइंट लेके यहाँ वाला भाग ऊपर से जाना है और यहाँ वाला भाग नीचे से, इस तरह से। और बाही का ये वाला भाग और ये वाला भाग इस तरह मिला लेना है लाइन ड्रॉ करके, और बाही कट कर लेनी है। बाही हमने कट कर ली है, केवल ऊपर के 2 पल्ले हमें पकड़ लेने हैं। और ये बीच वाला भाग, यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। ये कट वाला भाग आगे की ओर आएगा, ये बड़ा वाला भाग पीछे की ओर जाएगा। अब इस पल्ले को खोल लेना है और इस पल्ले को भी खोल लेना है। और यहाँ से हमें फोल्ड करना है, 34 चेस्ट साइज़ है इसका, 4th भाग यानी 8.5। इसमें 1 इंच मिलाने के बाद, यानी 9.5 इंच इस तरह से हमें फोल्ड करना है। किनार वाला भाग हम कट करके निकाल देंगे। फोल्ड करने के बाद लंबाई का नाप लेना है 18 इंच, शोल्डर का नाप लेना है 7 इंच। मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से आर्म होल बगल का नाप लेना है 7 इंच। मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें क्रॉस में टेप रखनी है 1 इंच। निशान लगा के इस तरह गोलाई दे दी हमने। गले के लिए 3 इंच पर मार्किंग करनी है, 3 इंच पर। और ये कंधे वाला भाग, यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करके इसे इस गले वाले भाग से जोड़ देना है। और यहाँ से केवल 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस तरह गले का शेप दे देना है, ये पीछे वाला पल्ला। अब ये पीछे का पल्ला कट करने के बाद अब हम सामने वाला पल्ला कट करेंगे। अब हमने इस पल्ले को फोल्ड कर लिया है और इस पर इस भाग को रख दिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। अब ये हमने दूसरा पल्ला भी कट कर लिया है, ये पीछे वाला पल्ला। अब जो हमने पहले पल्ला कट किया हुआ था, हमें इसे ही लेना है। और बगल वाला भाग, यहाँ से हमें 1/4 इंच यानी 1 इंच में थोड़ा कम मार्किंग कर लेनी है और इसे ऊपर कंधे से मिला देना है। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच पर, और इस तरह गोलाई दे देनी है। ये आगे वाला भाग कट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच कट किया हुआ था और 3.5 इंच यानी 3.5 इंच यानी टोटल ये 4 इंच हो गया। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसे हल्की सी गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है।
बगल वाला भाग और गले वाला भाग कट करने के बाद ये वाला भाग भी हमें कट कर लेना है। यदि कमर बहुत ही पतली है तो हमें यहाँ से एक इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और फिर इस तरह लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। लेकिन यदि कमर पतली नहीं है तो इसे हमें कट नहीं करना है, इसे बराबर में ही रहने देना है। अब इस पीछे वाले पल्ले पर आगे वाले पल्ले को रखना है और दोनों कंधों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। कंधे जोड़ लेने के बाद आगे वाले पल्लों में यहाँ पे हमें एक पट्टी रखनी है, एक पट्टी यहाँ पे रखनी है, सिलाई लगानी है और इसे पीछे की ओर पलटाकर एक बार फोल्ड करके यहाँ पे भी सिल लेना है। पट्टी लगा लेने के बाद अब हमें गले का नाप ले लेना है। टेप इस तरह से रखनी है और हमें गले का नाप ले लेना है टेप को घुमाते हुए। इस तरह हमने गले का नाप ले लिया, ये लगभग 16 इंच आ रहा है, 16 इंच। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी कट करके रखी हुई है और ये भी लगभग 16 इंच की है, और फोल्ड करने के बाद ये पट्टी 3.25 इंच की है। एक बार इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया हुआ है, एक बार इस तरह से भी फोल्ड कर लेनी है पट्टी। और पीछे का गला हमने इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग कर देनी है पीछे के गले के लिए, और इस तरह से 1.25 इंच में ले रही हूँ। अब 1.25 इंच तक इस तरह 3 इंच तक हमने बिल्कुल सीधी मार्किंग कर ली। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसे इस कॉर्नर तक ले जाना है इस तरह, और इसी तरह ये भी 1.25 इंच इस तरह 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस पट्टी को कट कर लेना है। कट होने के बाद ये पट्टी इस तरह से दिखेगी। अब हमें यहाँ से भी इसे कट कर लेना है, यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी, और यहाँ से लगाने के बाद इसे पलटा लेना है। ये यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा। यदि आप चाहें तो बकरम पट्टी इस पर चिपका सकते हैं इसी आकार की, इसके बाद कपड़ा कट करें, लेकिन ये कपड़ा काफ़ी मोटा है इसलिए मैंने इस पर बकरम नहीं लगाई। अब इसे इस तरह से रखना है, ये जो सिलाई वाला भाग है यहाँ पे आना चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से पलटाना है और बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी लगाने के बाद अब हमें बाही फिट कर लेनी है। बाही में जो छोटा वाला भाग है ये आगे की ओर लगेगा और ये बड़ा वाला भाग पीछे की ओर लगेगा। बाही को इस तरह से रख के हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस ओर भी और उस ओर भी हमने बाही को जोड़ लिया है। अब इस सामने वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले पर पलटा लेना है और यहाँ से साइड से लेकर बाही में भी इस तरह सिलाई लगा लेनी है, इस ओर भी और उस ओर भी।